हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। लेके आ गए हूं फिर से एक नया व्लॉग आप सभी के लिए। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया था कि मैं लखनऊ जाने वाला था, तो दोस्तों उसके आगे का व्लॉग आज आपको देने वाला हूँ। इसके अंदर दिखाने वाला हूँ आपको लखनऊ एयरपोर्ट के अराइवल में, आपको अगर कनेक्टिंग फ्लाइट है तो कहाँ पर जाना है, कैसे बैगेज बेल्ट है, कितने एयरपोर्ट है लखनऊ में, और लखनऊ का जो मेट्रो का सफर है वो कैसा है, तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लखनऊ मेट्रो का फेयर कितना है और कितनी लाइंस है वहां पर, कितनी जगह मेट्रो जाती है, सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों जैसे ही हम लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से हमें फ्लाइट से उतरने के बाद दोस्तों इस बस में बैठना था। ये बस हमें लेके जाने वाली है लखनऊ एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, लखनऊ में जो है जो पुराने एयरपोर्ट हैं वो सभी अभी बंद हैं और लखनऊ का टर्मिनल 3 एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशन में है। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो दोस्तों सारे बैगेज बेल्ट की इंफॉर्मेशन इस डिस्प्ले के ऊपर आपको मिल जाती है, और इस डिस्प्ले के ऊपर आप देख सकते हैं कि आपका फ्लाइट नंबर जो भी है उसका बैगेज आपको कौन सी बेल्ट पर मिलने वाला है। यहाँ पर काफी सारी बेल्ट बनी हुई है 1 से लेकर 5 तक, तो हमारी जो फ्लाइट का बैगेज था वो बेल्ट नंबर 5 पर आने वाला था। सभी पैसेंजर यहाँ पर वेट कर रहे हैं और ट्रॉली के साथ अपना बैगेज रिसीव करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमारा कोई बैगेज नहीं था, तो दोस्तों हमें यहाँ वेट नहीं करना पड़ा और हमारे पास सिर्फ हैंड बैग था, तो हम सीधा जाएंगे अब एयरपोर्ट एग्जिट करने की तरफ। और रास्ते में चलते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन लोगों को एयरपोर्ट से अगर आपकी कोई भी एयरपोर्ट पर आकर डोमेस्टिक फ्लाइट आगे के लिए इंडिया के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए कहाँ पर जाना होगा, प्लस अगर लखनऊ एयरपोर्ट पर आकर आपकी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो उसके लिए कहां पर जाना होगा, वो सारी चीज इस वीडियो में मैं आपको अब दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे सारे पैसेंजर अपना बैग रिसीव कर रहे हैं एयरपोर्ट एग्जिट करने के लिए और या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए। दोस्तों ये जो लखनऊ एयरपोर्ट है टर्मिनल 3, ये अभी नया बना है और ये एयरपोर्ट अडानी ग्रुप ने बनाया है। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपकी कोई कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो ये साइन बोर्ड आप देख लीजिएगा, डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए आपको राइट हैंड साइड पे जाना है, वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है। तो दोस्तों पहले चलते हैं वॉशरूम, थोड़ा सा वॉक अराउंड आपको दिखा देता हूं और बताना चाहूंगा अडानी ग्रुप के अंडर जो एयरपोर्ट आते हैं मुंबई में, टर्मिनल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आपका जो लखनऊ एयरपोर्ट है टर्मिनल 3, ये अडानी ग्रुप के अंडर आता है। अहमदाबाद का एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के अंदर आता है, प्लस गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है वो भी अडानी ग्रुप के अंदर आता है। और दोस्तों ये एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन होने से आपको फैसिलिटीज काफी अच्छी मिल जाने वाली है, हालांकि आपका जो एयरपोर्ट टैक्सीस है और जो आपकी यूजर डेवलपमेंट फीस है वो थोड़ी आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी, बट उसके भी यहाँ पर आपको फैसिलिटीज भी काफी अच्छी मिलने वाली है। देख सकते हैं छोटा सा वॉशरूम है, काफी क्लीनिंग है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं नया एयरपोर्ट आपको हर एक चीज बहुत ही प्यारी लगने वाली है। तो अभी अब हम जाने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर एग्जिट का बोर्ड आप देख सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आपकी कोई डोमेस्टिक फ्लाइट है लखनऊ एयरपोर्ट से तो मैंने जैसा आपको बताया था आपको राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा। यानी कि अगर आप लखनऊ एयरपोर्ट आए हैं और इंडिया के अंदर ही आपकी फिर किसी एयरपोर्ट के जाने के लिए फ्लाइट है तो डोमेस्टिक ट्रांसफर का साइन बोर्ड आपको फॉलो करना है। और दोस्तों यहीं से मैं अब आपको दिखाने जाने वाला हूँ कि अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट होती है तो उसके लिए आपको कहां पर जाना होगा। तो दोस्तों चलते हैं अभी हम आगे की तरफ। दिवाली फेस्टिवल दोस्तों आने वाला है तो बहुत ही अच्छी यहां पर डेकोरेशन भी की गई है, जगह जगह आप देख सकते हैं शुभ दीपावली का सब जगह जो डेकोरेशन है वो प्लेस किया गया है। ऐसा ही अभी दिल्ली के अंदर जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 3, वहां पर भी कुछ इसी तरीके की सजावट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों अब ये फिर से एक साइन बोर्ड आ गया है, इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं अगर आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है और यहाँ से लखनऊ एयरपोर्ट से तो आपको राइट हैंड साइड में जाना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप बोर्ड पढ़ते हैं और साइन बोर्ड समझ पाते हैं तो दोस्तों आप किसी भी एयरपोर्ट पर कभी भी आपको किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी और आप खुद से ये साइन बोर्ड फॉलो करके जहां आपको जाना है वहां जा सकते हैं। राइट हैंड साइड पे देखा आपने सारे टैक्सी के काउंटर है, अगर आपको कोई भी टैक्सी करनी है तो बुक कर सकते हैं, अंदर से भी और बाहर जाकर भी आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी गेट नंबर 2 है यहाँ पर एग्जिट करने के लिए। जैसे ही आप बाहर आते हैं फिर से ये सारे साइन बोर्ड आपको मिल जाने वाले हैं, बस पार्किंग कहाँ पर है, ओला उबर पार्किंग कहाँ पर है, प्राइवेट पे कार पार्किंग का कहाँ से पिकअप या ड्रॉप है। तो दोस्तों इस तरीके से लोग बाहर खड़े रहते हैं आपको रिसीव करने के लिए, और आप देख सकते हैं सभी पैसेंजर अभी बाहर आ चुके हैं।
तो दोस्तों एयरपोर्ट पर आने के बाद मुझे सबसे बड़ी कंफ्यूजन यही थी क्योंकि मैं लखनऊ बहुत टाइम बाद आया था और मैं कभी बहुत ही छोटा था जब मैं यहाँ पर आया था, तो काफी अच्छी मेमोरी है। तो मुझे नहीं पता तब से काफी चेंज हो गया लखनऊ, तो मुझे जाना था मेट्रो की साइड क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि लखनऊ की जो मेट्रो है वो एयरपोर्ट के बाहर से आपको मिल जाने वाली, और मुझे लखनऊ की मेट्रो से ही ट्रेवल करना था। तो दोस्तों जैसे ही हम बाहर आते हैं मैंने साइन बोर्ड देखा, मेट्रो का जो साइन बोर्ड था आगे की तरफ जाके दिखा रहा था, तो मैं ये साइन बोर्ड पढ़ते हुए आप देख सकते हैं दोबारा से एक साइन बोर्ड आपको सामने मिल जाने वाला मेट्रो के लिए, कार पार्किंग के लिए। तो राइट हैंड साइड पर हमें मुड़ के जाना था, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं काफी पैसेंजर है। ये प्राइवेट कार का पिकअप या ड्रॉप है, यहाँ से आप पैसेंजर को पिकअप या ड्रॉप कर सकते हो। फिर से आप साइन बोर्ड देखेंगे मेट्रो के लिए और प्राइवेट पार्किंग के लिए। तो दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़े हमें वहीं से सामने से मेट्रो स्टेशन दिखने लगा, तो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपका मेट्रो स्टेशन है अगर आप लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे आते हैं। और अभी सिर्फ टर्मिनल 3 ही एयरपोर्ट है जो ऑपरेशन में है और बाकी कोई एयरपोर्ट लखनऊ पर नहीं चल रहा है। इसी एयरपोर्ट से आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट है, इसी एयरपोर्ट से आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट है। तो दोस्तों आप मेट्रो स्टेशन पहुंच गए, सामने ये एयरपोर्ट है, CCS एयरपोर्ट इसका नाम है और मेट्रो स्टेशन का नाम भी CCS एयरपोर्ट है, मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों यहाँ से हम जाते हैं नीचे। तो दोस्तों हमने दिल्ली मेट्रो ट्रेन में तो सफर किया है, अब देखते हैं लखनऊ मेट्रो का कैसा सफर रहता है। तो दोस्तों अभी नीचे जाके उससे पहले हमें एक दोस्त ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन जाती है मेट्रो की और यहाँ पर कोई आपको इंटरचेंज वगैरह ज्यादा नहीं है। तो हमें जहाँ जाना था इसी लाइन पर था, तो हम नीचे आ गए मेट्रो स्टेशन में और सबसे बढ़िया हम पहले वेंडिंग मशीन के पास गए। दोस्तों ये वेंडिंग मशीन से हमें टोकन वगैरह नहीं मिल पाया क्योंकि वो सिर्फ कार्ड रिचार्ज के लिए था। तो हम आ गए हैं टोकन काउंटर पे और दोस्तों हमें जाना था यहाँ से हजरतगंज, और हजरतगंज का जो टोकन हमको दोस्तों मिला वो 40 रुपीज का था, कुछ इस तरीके का टोकन है जैसा कि आपने दिल्ली मेट्रो में जब नई नई मेट्रो चली थी उस तरीके के टोकन आपने देखे होंगे। आजकल QR कोड दिए जाती है स्लिप। तो दोस्तों ये रेड कलर का है और हम यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पर आ चुके हैं। बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छा मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ से फ्रिस्किंग करने के बाद ये जैसे ही टोकन हमने टच किया AFC गेट पर और ये गेट ओपन हो गया। अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ जहाँ से हमें मेट्रो लेनी है। तो दोस्तों चलते हैं, आप देख सकते हैं मेट्रो पे भी काफी पैसेंजर अब आने लगे हैं क्योंकि एयरपोर्ट नजदीक में है। तो जिन लोगों का इस लाइन पर नियर बाई नजदीक पड़ता है मेट्रो स्टेशन से घर, तो वो लोग प्रेफर करते हैं मेट्रो लेना, जैसा कि दिल्ली में भी आपने देखा होगा। क्योंकि दोस्तों मेट्रो में सफर करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको कोई भी रेड लाइट, कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। मेट्रो हमारी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और हम ये मेट्रो बोर्ड कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं मेट्रो बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो, उसी तरीके से ये मेट्रो भी बनाई गई है और सामने ही गेट के ऊपर आपको आपके डेस्टिनेशन प्लस मेट्रो कहाँ से कहाँ के लिए जा रही है ये सब आपको दिख जाने वाला है। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और आप फिर अपने प्लेटफॉर्म पर उतर सकते हैं जहां भी आपको जाना है। तो दोस्तों अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों को पता है मेट्रो से सफर करना कितना कन्वीनियंट होता है या जिनका नियर बाय मेट्रो स्टेशन के आसपास घर है, वो लोग मेट्रो से ही प्रेफर करते हैं आना जाना। तो इसमें मोस्टली पैसेंजर्स ही हैं, लोकल पैसेंजर अभी कम है क्योंकि एयरपोर्ट से जो है सिर्फ वो ही पैसेंजर बोर्ड करते हैं जिनका घर इस मेट्रो लाइन में पड़ता है। दोस्तों पहले ये मेट्रो नीचे थी, अभी ऊपर आ चुकी है फ्लाईओवर के। तो आप देख सकते हैं ये लखनऊ है हमारा और दोनों साइड आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा अगर आप दिल्ली मेट्रो में बैठे हैं कि आप दिल्ली मेट्रो में बैठ के कहीं सफर कर रहे हैं। और बहुत ही सही है जो मेट्रो का सफर है, चाहे वो दिल्ली मेट्रो हो या फिर लखनऊ मेट्रो। ये सारे स्टेशन आते हैं, सिर्फ एक ही लाइन है लखनऊ के अंदर। तो अगर आप आ रहे हैं तो लखनऊ मेट्रो का पहले आप मैप देख लें, नियर बाई अगर आपको उसके कहीं जाना है तो आप मेट्रो से ही ट्रेवल करना आप पसंद करिए ताकि आपको ट्रैफिक और रेड लाइट ना मिले। तो दोस्तों हमें जाना था हजरतगंज और हजरतगंज में हमें जाके अभी देखते हैं, वहां पर हमें बताया गया है कि शॉपिंग का काफी अच्छा एरिया है, खाने पीने के लिए भी काफी चीजें हैं। तो दोस्तों हमारा मेट्रो स्टेशन आ चुका है हजरतगंज, अभी हम ऊपर जाके एग्जिट करने वाले। तो दोस्तों जैसे ही हम बाहर आते हैं आपको मेट्रो स्टेशन के बाहर ही आपको हजरतगंज के एक बहुत ही फेमस कैफे मिलने वाला है, रॉयल कैफे। आप वहां की बास्केट चाट ट्राई कर सकते हैं, प्लस यहाँ के टुंडे कबाब बहुत फेमस है अमीनाबाग के, जो यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी में पड़ेंगे, हम वहां पर भी गए। तो अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं या शॉपिंग करने के, तो आप हजरतगंज आइए एयरपोर्ट मेट्रो पकड़ के और सीधा यहाँ के शॉपिंग करके वापस से आप कहीं भी जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं शॉपिंग करने के लिए और यहाँ का क्लोथिंग
चिकन कपड़ा है एक जो बहुत फेमस है, तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं, उसका होलसेल का मार्केट है यहाँ पर। और इस तरीके से आप यहाँ पर अगर आएंगे तो आप अगर दिल्ली के कनॉट प्लेस में गए हैं तो आपको कुछ वैसा ही फील होने वाला है। और ये यहाँ का सबसे फेमस टुंडे कबाब का रेस्टोरेंट है, काफी पुराना है और फेमस है, जो कि अमीनाबाग में है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप यहाँ पर आकर मजा ले सकते हैं खाने पीने का, वरना हजरतगंज में जाकर भी आप शॉपिंग कर सकते हैं और खा पी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।